सो गाइस, गेम खेलना किसको पसंद नहीं होता। हम सभी लोग गेम खेलना पसंद करते हैं और यहाँ पर लेकिन दोस्तों गेम खेलने के लिए हम सभी लोगों के पास कोई गेमिंग कंसोल या फिर कोई गेमिंग स्मार्टफोन या गेमिंग लैपटॉप या पीसी नहीं होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो भी डिवाइसेस होते हैं, लाइक चाहे वो नॉर्मल स्मार्टफोन हो, नॉर्मल लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप हो, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर हम जो है गेम इन्जॉय कर पाएँ। तो क्या दोस्तों, क्या हम एक नॉर्मल पीसी या नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर गेम्स को खेल सकते हैं? क्या ऐसा करना हमारे डिवाइस के लिए सही होता है या फिर इससे हमारा डिवाइस हार्मफुल या फिर डैमेज होता है? दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपको दोस्तों जानना है तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। और साथ ही दोस्तों, यदि आपको मेरे चैनल का कॉन्टेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिंपल कट टू कट बता दूं कि क्या हम एक नॉर्मल लैपटॉप या नॉर्मल पीसी पे गेम्स को खेल सकते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हमको ऐसा करना चाहिए? तो इसका आंसर नहीं, आपको नॉर्मल लैपटॉप या नॉर्मल पीसी के ऊपर गेम्स या फिर बात करें हाई एंड गेम्स बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। क्यों दोस्तों, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। सो गाइस, इसका आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यदि हमको अच्छे गेम्स खेलने हैं हमारे डिवाइस के ऊपर तो इसके लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस गेम की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी एक अच्छे गेम्स की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छा प्रोसेसर, फास्ट मेमोरी, अच्छी कूलिंग टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ दोस्तों एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड। इन चीज़ों की ज़रूरत उस गेम को होती है, तभी वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको या फिर बात करें बेस्ट एक्सपीरियंस आपको दे पाएगा। लेकिन दोस्तों हम बात करें एक नॉर्मल लैपटॉप या नॉर्मल कंप्यूटर की, यदि लैपटॉप की बात करें तो अंडर 50,000 की, तो यहाँ पर दोस्तों उस लैपटॉप के अंदर ये सारी चीज़ें हमको एक एवरेज ही देखने को मिलती हैं, मतलब कि नॉर्मली देखने को मिलती है। नॉर्मल प्रोसेसर, नॉर्मल कूलिंग टेक्नोलॉजी, नॉर्मल मेमोरी और साथ ही साथ नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड, जो कि हो सकता है यहाँ पर इंटीग्रेटेड ही मिले और कुछ कुछ केसेस में डेडिकेटेड भी मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि ये सारी चीज़ें नॉर्मल मिलेंगी तो डेफिनेटली आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस भी नॉर्मली देखने को मिलेगा। आप उस सिस्टम के ऊपर, उस लैपटॉप के ऊपर नॉर्मल गेम ही खेल सकते हैं, आप हाई एंड गेम नहीं खेल सकते। यदि आप हाई एंड गेम खेलना चाहते हैं तो आपको एकदम लो सेटिंग पे ही खेलना पड़ेगा, जिसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर हम बात करें एक नॉर्मल लैपटॉप की तो वहाँ पर दोस्तों हमको प्रोसेसर वो भी नॉर्मल देखने को मिलेगा, जिससे हमको जो गेम की प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी हमको एवरेज ही देखने को मिलेगी। इसके बाद यदि हम बात करें मेमोरी की तो यहाँ पर दोस्तों यदि हमको इसमें हमको SSD मेमोरी देखने को मिलती है या फिर स्लो मेमोरी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर दोस्तों हमको गेमिंग में लैग जरूर से देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि SSD देखने को ना मिले, वो भी मिलती है, लेकिन दोस्तों फिर भी हमको एक फास्ट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कूलिंग टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर दोस्तों एक नॉर्मल लैपटॉप होते हैं उनके अंदर नॉर्मल कूलिंग टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलती है, जो कि गेमिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि आप एक उसके ऊपर गेम खेल रहे हैं किसी भी लैपटॉप के ऊपर तो वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, और यहाँ पर दोस्तों उसको हमको ठंडा करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को मिलेगी और हमको दोस्तों यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों हम बात करें ग्राफिक्स कार्ड की, तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें 50,000 के नीचे एक नॉर्मल लैपटॉप की, तो वहाँ पर दोस्तों हमको मेजॉरिटी केसेस में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड ही देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को ना मिले, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि आपको गेम खेलना है, एक अच्छा गेम खेलना है आपके लैपटॉप के ऊपर, तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत जरूर से ही पड़ती है, क्योंकि यदि आपका ग्राफिक्स कार्ड कमज़ोर रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा या फिर बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार देखने को मिलेगा और आप उस गेम को अच्छी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे और हाई एंड गेम तो आप उस पर खेल ही नहीं पाएंगे। तो ये रहे दोस्तों सारी वजह, सारे रीजन जिसकी वजह से दोस्तों मैं आपको मना कर रहा हूँ कि नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर आप जो है गेमिंग ना करें। ये बात नहीं है कि आप गेमिंग बिल्कुल भी ना करें, आप यहाँ पर छोटे गेम्स जो नॉर्मल गेम्स होते हैं उनको आप बिल्कुल आराम से खेल सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती। बस आपको थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान ही रखना पड़ता है कि टेम्परेचर आपके लैपटॉप पर कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, बाकी नॉर्मल गेमिंग तो आप किसी भी लैपटॉप के ऊपर, किसी भी सिस्टम के ऊपर कर सकते हैं।
लेकिन यदि आपको हाई एंड गेम खेलना है, एक हाई सेटिंग के ऊपर खेलना है, आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग की, तो डेफिनेटली आपको एक गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग पीसी, या बात करें यदि स्मार्टफोन की, तो आपको गेमिंग स्मार्टफोन ही परचेस करना पड़ेगा यदि आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस, अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए है। तो सो आई होप दोस्तों आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हो आपको समझ आ गई होगी और इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से पसंद आई होगी, और साथ ही साथ दोस्तों आपको मेरा वीडियो भी जरूर से पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।